हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम आपके सामने है। सेकंड ऑफ नेक्स्ट मंथ को आपकी एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम में कुछ दिन कुछ घंटे बचे हैं और उम्मीद है कि आप भी ये चाहते होंगे कि एग्ज़ाम आपके सामने आ जाए, उसको आप फेस करें और आपने जो पिछले 9 महीने प्रिपरेशन की है उसको इनकेश करने का आपको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। आपको डर जरूर लग रहा होगा और लगना भी चाहिए, हर किसी को लगता है। डर न लगना अब नॉर्मल है। कोई भी स्टूडेंट कितना भी स्टडीज क्यों ना हो, कितनी भी पढ़ाई क्यों ना हो, उसको पढ़ाई उसने बहुत अच्छी की है तब भी उसे एक फियर तो रहता है, एग्ज़ाम फियर उसी को कहते हैं। तो आपको भी है, होगा और होना भी चाहिए, लेकिन आपकी सक्सेस तभी है जब इस एग्ज़ाम फियर से निकलकर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएं, कॉन्फिडेंट हो जाएं और एग्ज़ाम में भी 3 घंटों पर आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो पेपर को मैनेज करें, फेस करें। बेटा, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी यदि आपने इस वक्त अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया। तो वो आपको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट को मैंने देखा है, वो पेपर बिगाड़ के आ गए क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी थी लेकिन कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया। और ऐसे स्टूडेंट भी देखे जिनकी प्रिपरेशन एवरेज थी लेकिन वो कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने पेपर अच्छा कर दिया। तो अब आपके कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल है आपको पेपर कैसे मैनेज करना है, बेटा आपको जो शुरू के 15 मिनट मिलेंगे, मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी सब आप अपने हिसाब से करें, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये 15 मिनट आपको इसके लिए नहीं मिलते कि आप पूरा पेपर पढ़ो। बेटा, पूरा पेपर पढ़ के मिलना क्या है, एक एक क्वेश्चन पढ़ो कि मतलब नहीं मेरा, मुझे लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, यदि आपको पढ़ना ही है पूरा पेपर, तो फर्स्ट 5 मिनट में ये डिसाइड कर लो कि मुझे इसमें से कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, कौन सा मतलब नहीं करना है, जो ऑप्शन में छोड़ना है, जो सबसे टफ है, यूनिक है, आपका किया हुआ नहीं, उसको छोड़ना है, वो डिसाइड कर लो। और सबसे पहले कौन सा करना है वो डिसाइड कर लो फर्स्ट 5 to 7 मिनट में, बजाय कि पूरा पेपर पढ़ने के आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ देना है। और जो पहला क्वेश्चन आपको करना है, क्यों ना उसको हम पेपर करने के पहले 5-7 मिनट पहले से ही क्या करना करने पढ़ना शुरू कर दें। पेपर कॉपी साथ कॉपी मिलेगी, उसके पहले हम उस क्वेश्चन को शुरू के 7-8 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दें। इस एंगल से पढ़ना शुरू करें कि कॉपी आते ही उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो करना, वो पढ़ना के साथ साथ आप उसको सॉल्व करने के बारे में सोचना शुरू कर दें। और उसके बाद आप जैसी कॉपी आती है उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दें, आपका टाइम सेविंग होगा। ये मेरी ओपिनियन है, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, वो तो आपको पता ही है, पर पहला कंपलसरी इसका मतलब ये नहीं कि सबसे पहले वही करना है, जरूरी नहीं है। पर बेटा, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, यदि आपने सेकंड क्वेश्चन पहले स्टार्ट किया कोई दिक्कत नहीं, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया उसके ABC पार्ट हैं, तो आपको ABC एक साथ करना है। ऐसा नहीं कि सेकंड क्वेश्चन का ABC किया फिर थर्ड शुरू कर दिया फिर सेकंड का B शुरू करें, नहीं बेटा, सेकंड शुरू किया तो A करो फिर B करो फिर से करो। और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होना निहायत ही जरूरी है। उसके अलावा ये ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर कुछ पॉइंट आप छोड़ दिए और उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। किसी क्वेश्चन में कंपनीज फाइनल अकाउंट है, सिंगल एंट्री है, कोई भी चैप्टर है जिसमें कई सारे एडजस्टमेंट हैं होल्ड, तो उसके अंदर आपको पढ़ना जरूरी है कि कहीं कोई एडजस्टमेंट पूरी तरह से छूट न जाए। ऐसा मैंने प्रीवियस स्टूडेंट से सुना है कि पेज पलटना रह गया, एक पॉइंट रह गया, पूरा क्वेश्चन कर दिया, ऐसा आपके साथ ना हो। और आपको अभी क्या करना है, एग्ज़ाम के 3 दिन पहले से आपको अकाउंट उठा लेना चाहिए, एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले, जैसा भी आपका सिचुएशन हो, पर उसके पहले नहीं। मिनिमम 2 दिन तो आपको देना ही अकाउंट पे लास्ट के, और मैक्सिमम 3 दिन। उन 3 दिनों में आपको क्या करना है, हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व करना है, एक वैरायटी। जैसे यदि आपका इन्वेस्टमेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन कर लिया इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स पर, एक क्वेश्चन कर लिया इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड या डिबेंचर पर। लॉस ऑफ प्रॉफिट है, एक क्वेश्चन लॉस ऑफ स्टॉक है, एक क्वेश्चन वो भी जो आपने सिलेक्ट कर रखा है, एक एक क्वेश्चन कर देखिए। भले पूरे फॉर्मेट से ना कीजिए, वो आप एग्जाम में मैनेज कर लेंगे, लेकिन कर देखिए। उसके बाद जो भी लॉ रिलेटेड चैप्टर हैं, जैसे कि बोनस इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये जो भी लॉ रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि ये सेक्शन ये कहता है, ये सेक्शन ये कहता है, जो आपको प्रैक्टिकल, उनको लिख कर आप एक बार देखें कि आपको सारे प्रोविजन याद हैं या नहीं। और उसके अलावा जो आपने पिछली बार जब रिवीजन किया था, फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन, जब आपने पॉइंट नोट किए थे किस क्वेश्चन में आपको क्या तकलीफ आई, बस उनको पढ़कर आपको जाना है। मतलब आपको लास्ट 2 डेज में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है,
हर वेराइटी का, और बाकी सारे क्वेश्चन के ऑडिट करके जानी है, बाकी सारे क्वेश्चन को सिर्फ की पॉइंट देखकर जाना है, सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, लेकिन सारे चैप्टर का रिविजन जरूरी है। आप कोई चैप्टर छोड़ सकते हैं, जिसके लिए मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, पर आप भयंकर मुसीबत में हैं, सर हमने पहले पढ़ाई नहीं की थी, सर अब सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, सर कुछ चैप्टर छोड़ना पड़ेगा, कोई चैप्टर छोड़ने की यदि नौबत आ जाए तो वो है ब्रांच। ब्रांच में वेराइटी बहुत ज़्यादा है, जनरली स्टूडेंट को उसमें कॉन्फिडेंस कम आता है, लेकिन है मुझे पता है वो ईजी चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी उसमें होना जरूरी है, और उसमें कुछ पार्ट तो काफ़ी ईजी होता है, वो आप छोड़ सकते हैं यदि आप मुसीबत में हैं तो, अदरवाइज मैं रिकमेंड तो नहीं कहूँगा। लेकिन और जैसे जो क्वेश्चन बैलेंस शीट वाले हैं उसमें आपको ध्यान रखना है हमारा तरीका, कैश फ्लो में तरीका क्या है, कंपनीज फाइनल अकाउंट में तरीका क्या है, और सिंगल एंट्री में तरीका क्या है, कि बैलेंस शीट क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट के सिंगल इफेक्ट और बाकी एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट, तो जो भी चैप्टर के हमारे बेसिक रूल हैं उनके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कई सारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट आती है, जनरल प्रेफरेंस शेयर के बाद बैलेंस शीट बनाओ, बोनस इश्यू के बाद बैलेंस शीट बनाओ, और कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है ही सही, तो कई सारे क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने को आती है। तो आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए ध्यान रखना है कि फर्स्ट शॉट में टेली होना चाहिए, और टेली नहीं हुई तो चिंता मत करो, मतलब उसके लिए बहुत एफर्ट मत डालो, प्रीचेक मत करो, टाइम वेस्ट होगा, अगला क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, बेहतर है उसको आप छोड़कर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि रीचेक करने पर भी गलती शायद ही मिले और आपका जो टाइम वेस्ट होगा वो आपका अगला क्वेश्चन डिस्टर्ब कर देगा, बेहतर है आप उसी क्वेश्चन को जितना बैलेंस शीट बनी उतना छोड़कर आगे बढ़ जाओ, जितने आपने मार्क्स जितनी आपने क्वेश्चन की है आपको स्टेप मार्किंग होगी। तो ये सब मेरे अपने ओपिनियन है, बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ें, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है बेटा, हर चैप्टर का रिवीजन ज़रूरी है, जाने के पहले तभी हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। एग्जाम में आपको स्पीड मेंटेन करनी है, और स्पीड पहले क्वेश्चन से ही मेंटेन करनी है, ऐसा नहीं हो कि आधा पेपर हो गया, बहुत स्लो किया, लास्ट के आधा पेपर में बहुत स्पीड बढ़ाई तो हम डिस्टर्ब हो गए और कलर सेलेक्ट करने लगे, वो ध्यान रखिए, स्पीड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मेंटेन करना है, टाइम अलॉटमेंट देना है कि हमें किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। उसके बाद जो आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोशिश करें कि आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन रहे, उसमें कटिंग ना हो, ओवरराइटिंग ना हो, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा रहता है। और वर्किंग नोट में आप अकाउंट बनाएं तो अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर डेट अमाउंट सब लिखना जरूरी नहीं होता, आप वर्किंग नोट में फॉर्मेट टी फॉर्म बनाकर आगे बढ़ सकते हैं, जिसे मैंने आपको कई बार शॉर्टकट बताया, लेकिन यदि मेन सॉल्यूशन है उसमें अकाउंट को प्रॉपरली बनाना होगा, पर्टिकुलर अमाउंट लिखना होगा, और उसमें टू बाय बराबर लिखना होगा, नरेशन बराबर लिखना होगा यदि रिक्वायर्ड है तो, और सिक्योरिटी प्रीमियम है तो एसपी नहीं लिख सकते, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना पड़ेगा मेन सॉल्यूशन में, तो वो ध्यान रखिए आप। उसके अलावा मैं व्हाट्सएप पे आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आप मुझे डाउट पूछें, मैं आपको सेम डे रिप्लाई करूँगा। अब बेटा वक्त आ गया है, अब आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, उसके बगैर जब आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो कोई आप पर कैसे बिलीव करेगा। और बेटा मैं आपको यार एक कन्फर्म बात बोलता हूँ, बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ इस बात को लेकर के, कि आप जो आपको लग रहा है कि हम भूल गए, ऐसा नहीं है, आपको उस वक्त सब कुछ याद आ जाएगा, ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो बेकार नहीं जाएगा। अभी लगता है कि हमें ये भी याद नहीं, पर सामने जब चीज़ें आएंगी तो सब रिकॉल होगा, सब आपको याद आएगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है और मैं उस पर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आप पर भी, और आप लोग मेरी फेवरेट बेच के स्टूडेंट भी रहे हो, मुझे आपसे बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। अपना बेस दीजिए, पर पेपर का टेंशन मत लेके घर पर आइए, पेपर बिगड़ गया अगला पेपर नहीं बिगड़ना चाहिए, पेपर बिगड़ गया वो इंस्टीट्यूट देखेगा, वैल्यूएटर देखेगा, और हो सकता है कि उसमें आपके नंबर अच्छे आ जाएं, आप अपना वैल्यूएशन मत कीजिए। अकाउंट का पेपर देने के बाद अगले पेपर की तैयारी, अगले के बाद उसकी अगले की तैयारी, पिछले पेपर के बाद में आने के बाद ना डिस्कस करना है, ना उसको रीचेक करना है, ना उसके बारे में सोचना है, बस आगे के पेपर देते जाना है, बोर्ड ग्रुप वालों को बोर्ड ग्रुप दिए बगैर आगे। और वैसे आपको एक प्लस हो गया कि आपको FM ECO का पेपर आपका पोस्टपोन्ड हुआ है MP में, तो आपको एक्स्ट्रा डेज मिले हैं, उस पेपर के लिए आप टाइम अभी मत दीजिए, वो बाद के लिए रख लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।